कंप्यूटर फंडामेंटल दा पार्ट नंबर 16 इस दे विच आपा जानांगे अज वर्डपैड बारी वर्डपैड की हुंदा है ते किस तरह वो काम करदा ते किस किस तरह दे आपा ओदे विच काम कर सकदे हां जी मैं थोड़ा जिहा दसां तां जिहड़ा वर्डपैड हुंदा आ विंडो 95 दे विच फर्स्ट टाइम जिहड़ा आ आया सी मतलब विंडो एक्सेसरीज दे विच ही ऑटोमेटिकली आउंदा आ जिस तरह आपा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नूं अलग तों इंस्टॉल करना पैंदा आ बट इहनूं जिहड़ा आ अलग तों इंस्टॉल नहीं करना पैंदा जिस तरह की नोटपैड और एमएस पेंट बारे आपा लास्ट वीडियो विच डिस्कस कर चुके हैं जिस तरह वो विंडो दे नाल ही इंस्टॉल हो जाती है सो उसी तरह अपना वर्डपैड भी जिहड़ा आ वो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दे नाल ही इंस्टॉल हो जाता है ते इहदे विच आपां टैक्सट वगैरह एडिट कर सकदे हां कोई पैराग्राफ्स नूं एडिट कर सकदे हां इमेजेस नूं इंसर्ट कर सकदे हां कोई लिंक प्रोवाइड करना होवे कोई फाइल दा लिंक प्रोवाइड करना होवे वो आपां इहदे विच इजीली अवेलेबल कर सकदे हां सो जल्दी नाल आपां देखदे हां कि वर्डपैड किस तरह वर्क करदा है ते किस तरह आपां इहदे विच काम कर सकदे हां चलो सब तो पहला वर्डपैड नूं ओपन करन दे लई तीन तरीके सब तो पहला स्टार्ट बटन ते क्लिक करांगे सर्च बॉक्स दे विच लिखांगे वर्डपैड लिखण तों बाद आपां एंटर कर दांगे जां फिर उपर क्लिक कर दांगे वर्डपैड जिहड़ा आ चुका है सो ये अपना ओपन हो जाएगा मैं इहनूं क्लोज़ करदी हां ते विंडो आर आपां कीबोर्ड तों प्रेस करांगे ये डायलॉग बॉक्स दे विच आपां वर्डपैड लिखांगे और ओके करांगे ते इस तरह ओपन हो जाएगा मैं इसनूं भी क्लोज़ कर दिंदी हां फिलहाल सो स्टार्ट बटन ते आपां ऑल प्रोग्राम्स दे विच क्लिक करना दैन विंडो एक्सेसरीज दे विच क्लिक करना दैन इत्थों आपां वर्डपैड जिहड़ा आ फाइंड आउट करके उत्ते क्लिक करांगे ते उहनूं ओपन करांगे सो ए हो गए तीन तरीके सब तो उपर हैगी अपने को टाइटल बार ते उपर सब तो पहला दिता होया आ वर्डपैड दा लोगो ते नाल ही उहदे दिता होया आपां नूं सेव बटन कि डायरैक्ट आपां उत्थों सेव कर सकदे आ उस दे नाल अपने को अंडू और रीडू बटन दिते होए आ अंडू और रीडू करन दे लई क्विक टूल बार बटन देखो ये देखो सेव दे उत्ते टिक किया हो अगर मैं ये अनटिक कर दिनी हाँ तो उपरों अपना सेव बटन चले जाता है मतलब हाइड हो जाता है उस तो बाद मैं अगर दोबारा कर दी हाँ तो आ जाता है सो इसी तरह अगर जिहड़ा आपां नूं इहदे विचों बटन चाहिए वो आप शॉर्टकटली रख सकते क्विक एक्सैस करन दे लई रख सकते हैं सो नाल ही अपने को डॉक्यूमेंट लिखा हुआ मतलब इस जिहड़ा पेज आपां ओपन किया वह बाय डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट हुंदा है सो उहनूं आपां सेव कर सकते हैं किसी भी नाम के नाल नैक्सट अपने को उही मिनीमाइज मैक्सीमाइज एंड क्लोज़ बटन अगर मिनीमाइज ते क्लिक कर दिया तो विंडो जिहड़ी आ उह नीचे चले जाती है क्लोज़ नहीं हुंदी आ देखो टास्क बार दे उत्ते आ गई टास्क बार तो मैं दोबारा ओपन कर सकती हाँ सो मैक्सीमाइज ते क्लिक कर दिया देखो ये उत्ते मैं करूँगी तो वो छोटी हो जाती अगर दोबारा क्लिक करूँगी तो रीस्टोर मतलब कि बड़ी हो जाती है सो इसी तरह अपने को क्लोज़ बटन हुंदा है कि अगर आपां क्लोज़ करना है इस डॉक्यूमेंट नूं तां इत्थों क्लोज़ कर सकते हैं सो नैक्सट हैगा अपने को फाइल बटन दे विच सेम उही ऑप्शनस फिर न्यू कंट्रोल एन दे नाल आपां न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं मतलब न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं नवी फाइल नूं ओपन करन दे लई सो नैक्सट हैगा आ ओपन जो सेव कीती हुई फाइल नूं ओपन करना होवे इस फाइल दे विच तां उहनूं दोबारा आपां इत्थों ओपन तो कर सकते हैं सेव जो भी आपां डॉक्यूमेंट बनाया उन्हें सेव करना हो अपने कंप्यूटर दे विच दैन फिर सेव एज आपां मतलब अलग अलग फॉरमेट दे विच सेव करना तो सेव एज कर सकते हैं जिहदे नाल आपां अलग अलग फॉरमेट और अलग नेम दे नाल अलग लोकेशन दे उत्ते सेव कर सकते हैं नैक्सट प्रिंट दियां अपने को तीन ऑप्शनस आ फस्ट आपां प्रिंट दे उत्ते देख लैंदे हां देखो जदों प्रिंट ओपन करदे हां तां इहदे विच आपां जिहड़ियां सैटिंग्स सारियां प्रिंट दियां कर सकते हैं और प्रिंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं सो इहदे विच आपां सारियां सैटिंग कर सकते हैं नैक्सट जी प्रिंट की ऑप्शन आप भी चैक कर लेंगे देखो क्विक एक्सेस के उत्ते क्लिक करूँगी तो ऑटोमैटिकली वो प्रिंट करना शुरू कर देगा पेज में सो नैक्सट हैगी अपने को प्रिंट की थर्ड ऑप्शन उन्होंने दी हुई प्रिंट प्रिव्यू अगर मैं प्रिंट प्रिव्यू के उत्ते क्लिक कर दी दैन एक पेज ओपन हो जाता कि किस तरह का पेज अपना प्रिंट होने तो बाद आएगा इतने अगर आपको ये पेज थोड़ा खराब लगता तो आप ये सैटिंग कर सकते हैं पेज सैटअप नाम की एक ऑप्शन दिती हुई जिसे क्लिक करके आप पेज की सैटिंग वगैरह कर सकते हैं मान लो मैं इतने A4 पेपर जिदा कि सिलेक्ट कर लें और मैं ओके कर दें इसी तरह अपने को जो होर भी ऑप्शन जगह जिन्होंने आप सिलेक्ट करके 1 पेज 2 पेज ये भी कर सकते हैं तो नाल ही इतने फिर अपन प्रिंट की ऑप्शन भी दी हुई प्रिंट करके या फिर Ctrl+P दब देना आप कीबोर्ड तो वो भी प्रिंट कर सकते सो यह है क्लोज़ बटन इतों आप क्लोज़ करके बैक जा सकते हैं सो ये प्रिंट दिन तीन ऑप्शन से नैक्सट हैगी अपने को पेज सैटअप के उत्ते जो मैं क्लिक किया तो सेम उ पेज की सैटिंग ऑप्शन आ जाए पोर्ट्रेट या लैंडस्केप A4 पेज चाहिए लैटर साइज पेज चाहिए वगैरह
उस तो बाद हैगा सेंड एन ईमेल, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया उसनों आपा ऑनलाइन सेंड करना होवे किसी नूं तां इत्थों डायरैक्ट आपा सेंड कर सकते हैं। सो इत्थे अबाउट आपा वर्डपैड दे बारे सारा कुछ दस्सिया होया, एग्जिट बटन आ, इत्थों एग्जिट करके क्लोज कर सकते हैं। सो ए सी अपना फाइल बटन दे विच। नैक्सट अपने को दो मैन्यूज होंगे आ, होम एंड व्यू। सो होम दे विच अपने को आ सारियां ऑप्शनस दित्तियां होईयां होईयां जिन्हां नूं आपां चूज़ करके कोई भी रिज्यूम, लैटर, नोट्स कुछ भी बना सकते हैं। सो इसी तरह अपने व्यू दे विच कुछ ऑप्शनस आ। फस्ट ऑफ ऑल आपां होम बटन दे बारे सारा देख लैंदे। इत्थे मैं कुछ टाइप कर लैंदी हाँ, मेरे कोल कुछ टैक्सट जिहड़ा सी उह लिखिया होया सी, मैं उहनूं पेस्ट कर लैंदी हाँ। सो इसी तरह तुसीं कुछ टाइप जरूर कर लेना तां कि तुहाडी टाइपिंग स्पीड भी जिहड़ी आ उह फास्ट हो सके। सो मैं वीडियो बनाउणी सी, सो इस करके मैं इत्थे कुछ लिखिया होया ही पेस्ट कर लिया आ। सो सब तो पहला मैं जिहड़ा इहदे विच आपां सिलैक्शन करनी हुंदी, जिहदा भी कोई भी फॉर्मेटिंग करनी आ तां टैक्सट अपना सिलैक्ट होया होना चाहिए आ। सो सब तो पहला आपां जिहड़ा इहनूं सिलैक्ट कर लैंदे हां। देखो इन्नी पोर्शन नूं मैं जिहड़ी आ फॉर्मेटिंग करना चाहुंदी हां, तां मैं इहनूं सिलैक्ट करके सब तो पहला अपने को हैगी फॉन्ट, कि फॉन्ट तुसीं किस तरह का लेना चाहते हो। इस तो काफ़ी तरह के फॉन्ट आ, तुसीं चूज़ कर सकते हो कि किस तरह का फॉन्ट लेना चाहते हो। सपोज मैं टाइम्स न्यू रोमन ले लिया, और नाल ही ये है इसका साइज़। हुण देखो इहदा साइज़ जो टाइम्स न्यू रोमन चेंज हो चुका, सो मैं इतों इहदा साइज़ भी ले लैंदी हाँ। मान लो मैं इहदा साइज़ ले लिया 14 ले लैंदे हाँ, 14 में इहदा साइज़ ले लिया। अगर हुण देखो ये जिहड़ा आ लाइट कलर आ सारा है ना, दोबारा सिलेक्ट करके अगर मैं इहदियां होर सैटिंग्स करना चाहुंदी हाँ, देखो इस तरह इहनूं ड्रॉ करना तुसीं माउस दे नाल फड़ के, जां फिर तुसीं नीचे तो ड्रॉ कर सकते हैं, जां फिर उपर तो भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो इसी तरह अगर तुसीं ड्रॉ कर दो करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगी जिन्ने पोर्शन नूं भी करोगे। हुण मान लो तुसीं कुछ वर्ड्स नूं ही जिहड़ा आ सिलेक्ट करना, सो तुसीं जिथे भी वर्ड नूं सिलेक्ट करना उत्थे क्लिक करके कीबोर्ड तो प्रेस करूँगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एरो कीज़ दे नाल तुसी उनू सिलेक्ट कर लूँगे। सिलेक्ट जिन्ना भी तुसी एरो की लेफ्ट राइट बटन दबूंगे उन्ना ज़्यादा वो सिलेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह तुसी सिलेक्ट करन तो बाद बोल्ड, जो मैं बोल्ड देते क्लिक करांगी देखना ये बोल्ड हो जाएगा। जो मैं थोड़ा दिखाउंदी हाँ देखो उपरला कलर लाइट आ, तो जिन्हों मैं सिलेक्ट करके बोल्ड किया वो थोड़ा डार्क हो गया आ, मतलब अक्षर थोड़े मोटे मोटे लग रहे हैं। सो इसी तरह अगर मैं इटैलिक करना तो मैं नीचे कुछ लाइन सिलेक्ट कर लिया आ, उस तो बाद नाल ही वो इटैलिक बने हुआ आई बनी हुई, मतलब कंट्रोल प्लस आई भी आप जो शॉर्टकट की दस सकते हैं। देखो ये थोड़े टेढ़े हो गए आ, सो यदा मतलब होंगे इटैलिक। सो मैं इनू जो अंडरलाइन करना चाहनी इस टैक्स में, मैं इनू सिलेक्ट करके इतों अंडरलाइन सिलेक्ट कर लिया है। सो इस तरह जी यदि अपनी अलग अलग फॉर्मेटिंग आ अपने अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट आप कर सकते हैं। हुण आप नीचे वाले पैराग्राफ में सिलेक्ट करन तो बाद उपर देखो छोटा ए बनया हुआ बड़ी ए बनी हुई है, सो इस दे नाल की है आप इनक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते साइज़, जिदा कि आप नंबरिंग तो भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। सो सब तो पहला मैं जो फस्ट लाइन सिलेक्ट किया उसका मैं बैकग्राउंड कलर चूज़ करना है। सो इतों मैं वह बैकग्राउंड कलर सपोज करो मैं ग्रे ले लैनी हाँ, मैं ग्रे कलर यदा ले लिया। देखो यदा बैकग्राउंड कलर आया बट टैक्सट कलर नहीं आ। हुण मैं अगर टैक्सट कलर करना सपोज मैं आह वाली लाइन सिलेक्ट कर लैनी हाँ, सिलेक्ट करन तो बाद नाल ही उहदे ए लिखिया होया नाल नीचे कलर दिता होया इत्थों आपां कलर चूज़ कर सकते। अगर आपां नूं इत्थों कलर अपने अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा दैन आपां नीचे क्लिक करना मोर कलर्स ते, तो इत्थों कलर कोई चूज़ करके ओके कर देना। सो इस तरह आपां टैक्सट और बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। सो आ कुछ टाइप्स आ, इन्हां नूं मैं सिलेक्ट करदी हाँ। देखो इन्हां दी टाइप्स दी आपां नंबरिंग करनी हुंदी है ना, सो इहदे लई फस्ट ऑफ ऑल देखो इनक्रीज़ और इनक्रीज़ इंडेंट कर सकते, इत्थों इनक्रीज़ हो रहा आ ते नाल दे तो डिक्रीज़ हो रहा, इस तरह आप इनक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हैं। सपोज मैं इतने इन चूज़ कर लैनी हाँ, दोबारा सिलेक्ट करन तो बाद मैं इतों कोई यदा जोड़ा नंबरिंग करनी है, हम बुलेट नंबरिंग भी हो सकती, 1, 2, 3 भी हो सकता, ए बी सी हो सकता, रोमन नंबरस हो सकते, कोई भी तुसी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। मैं सपोज ए बी सी वाला ले लैनी हाँ, इतों चूज़ कर लें, उस तो बाद देखो हम ये जड़ा आ मेरी नंबरिंग हो चुकी आ। सो उस तरह मैं हम उपरली जो पैराग्राफ दी दो लाइनस नू सिलेक्ट कर लिया। देखो आह लाइन स्पेसिंग होंगी है, अगर मैं इतने देखो 1.5 दे उत्ते क्लिक किया देखो लाइन दे विच स्पेस आ गई ना, लाइन तो बाद दी जिहड़ी स्पेस इनक्रीज़ हो गई। अगर मैं 2 दे उत्ते क्लिक करदी देखो होर ज़्यादा इनक्रीज़ हो गई। सो मैं इहनू नॉर्मल ही कर लैनी हाँ, 1.5 जिहड़ी आ आपां कर लैंदे आ, इहनू दोबारा वापस उही 1.0 कर लैंदे आ, जां फिर 1.5 जिहड़ी आ उहनू रख लैंदे आ, जो भी तुसीं रखना चाहुंदे हो। सपोज मैं 1 ही रख लैनी हाँ,
नैक्सट फॉरमैटिंग लिए मैं लाइनस में थोड़ा डिवाइड कर लिया है। सपोज मैं तीन लाइनस के बच्चे डिवाइड कर लें तो आप अलाइनमेंट करनी है। अलाइनमेंट होंगी लैफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाइड। देखो ये अपने को बने हुए फस्ट मैं इनू जोड़ा आदा साइज जोड़ा टाइटल अपना मान लो अपना टाइटल आ सो य टाइटल का साइज सब तो बड़ा हों सो मैं टाइटल का 22 ले लैनी हाँ। उस तो बाद इनू मैं सेंटर के कर लें। देखो मैं सेंटर के क्लिक किया दैन यही सेंटर के आ गया। उस तो बाद जो नैक्सट अपने को लाइन हैगी देखो इनू ये जोड़ा है इस तो छोटा होगा सो इनू मैं यदा साइज यही रहन दें तो इनू लैफ्ट के ही रहन दें। आप लैफ्ट जोड़ा बाय डिफॉल्ट जो लैफ्ट ही होंगे आ सो नैक्सट आप लाइन अगर सिलैक्ट करते हैं यदा आप साइज जो थोड़ा घट कर लें सैकेंड लाइन ना साइज घट कर लिया तो उस तो बाद इनू आप राइट के उत्ते करना आ तीनों आप राइट कर लें। देखो ये राइट दे चले गया। सो नैक्सट अपने को जस्टिफाइड है। देखो मैं जो पैराग्राफ में सिलैक्ट किया तो आ जड़िया लाइनस आ देखो किस तरह ये इधर उधर आ ना जो जस्टिफाइड पर क्लिक किया तो ये बराबर हो गई सारिया लाइनस। सो पैराग्राफ में हमेशा आप जस्टिफाइड करीदा कि थोड़ा वधिया लगे। इसी तरह आप ये पैराग्राफ के लैफ्ट राइट इंडेंट वगैरह सैट कर सकते कि किस तरह के चाहिए आ। सो नैक्सट हुण आपां देख लैंदे कि पिक्चर किदां इनसर्ट कर सकते हैं। ये सब तो पहला जिथे तुसीं पिक्चर इनसर्ट करना चाहते उत्थे क्लिक करो। क्लिक करन तो बाद पिक्चर दे उत्ते क्लिक करना है। आपां पिक्चर ते क्लिक करके इत्थों आपां कोई भी पिक्चर अपनी चूज़ कर सकते। सपोज मैं आह वाली पिक्चर चूज़ कर लैंदी हाँ। ओपन कर लेना है पिक्चर नूं चूज़ करन तो बाद फिर उस तो बाद मैं पिक्चर नूं थोड़ा एडजस्ट कर लैंदी हाँ ते इहदी अलाइनमेंट पिक्चर दी जिहड़ी आ मैं राइट कर दिंदी हाँ। देखो ये तो सेंटर भी हो जाती है तो राइट भी हो जाती है जिदा टैक्सट की हो जाती है उसी तरह पिक्चर की भी हो जाती है। सो पिक्चर अपनी राइट के उत्ते लगा ली। हुण मैं जिहड़ा पेंट लगा दिंदी हाँ। पेंट देखो अपने आप ऑटोमैटिकली ओपन हो गया जो आप पेंट पर क्लिक किया तो मैं सपोज इतने स्टार बना लैनी हाँ और बकेट के नाल जिहड़ा आ फिल दे नाल मतलब ये जिहड़ा कलर सिलैक्ट कर लैनी हाँ और उन्हूं फिल कर दिंदी हाँ। सो इतों मैं इनू सेव नहीं करांगी क्योंकि ये सेव करन दी ऑप्शन नहीं हैगी अपने को। सेव है बट आप करना नहीं वो ऑटोमैटिकली अपने उधर वर्ड पैड दे विच चले जाएगा अपन सेव करन दी लोड नहीं होनी। सो इनू एडजस्ट कर लाँगी तो इन चुक के तुसी किते भी कर सकते हो मूव। सो इन मैं पिक्चर के बराबर का कर लैनी थोड़ा सही लगे जो। सो इसी तरह आप डेट एंड टाइम भी इनसर्ट कर सकते हैं। सपोज मैं जिहड़ा डेट एंड टाइम इतने इनसर्ट करना सो मैं इतने क्लिक कर लिया। फस्ट ऑफ ऑल जिथे भी तुसी क्लिक करना उत्ते पहला क्लिक करना हुंदा उस तो बाद ही तुसी एंटर कर सकते हैं। सो उस तो बाद मैं कोई डेट एंड फॉरमेट ये सिलैक्ट कर लैनी हाँ। सपोज मैं यही कर लिया ओके किया दैन मेरा डेट एंड टाइम जोड़ा आ गया। इतने मैं स्पेस ले लैनी हाँ थोड़ी इनसर्ट मतलब ऑब्जेक्ट आप इनसर्ट करना मतलब कि कोई फाइल का लिंक देना है आप। सो ये अपने को बहुत सारिया फाइल्स आ सपोज मैं ये फस्ट वाली ले लैनी हाँ अडोब मतलब PDF फाइल मैं जी इनसर्ट करना चाहती। सो मैं इतों PDF फाइल अपनी सिलैक्ट कर लैनी। देखो मैं सिलैक्ट किया और ओपन किया। देखो मेरी फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी ओपन हो गई है ये सो ये जोड़ा ईजी नहीं है। सो यू आप अंडू कर लें। सो इसका एक बढ़िया तरीका यह आ कि आप दोबारा जोड़ा आ इनसर्ट एंड ऑब्जेक्ट के उत्ते दोबारा जावे होम के जाके इनसर्ट एंड ऑब्जेक्ट के उत्ते जावे दैन ये आप क्लिक करके उस बाद आप क्लिक करना डिस्प्ले एज आइकन। देखो हम नीचे आइकन आ गया आपू आइकन चाहिए ता कि आप फाइल जी ज़्यादा बड़ी ना लगे। सो फाइल चूज़ कर लेनी। देखो हूँ छोटा जहा आइकन बनया हूँ इस देते आप क्लिक करके जो मर्जी फाइल में ओपन कर सकते हैं। सपोज मैं ये डबल क्लिक कर दी हाँ। देखो जो मैं ये डबल क्लिक किया दैन मेरी फाइल जी नीचे ओपन हो गई आ। सो ये मेरी फाइल सी। सो इसी तरह अगर मैं वर्ड की कोई फाइल ओपन करनी दैन मैं क्रिएट न्यू फाइल के उत्ते क्लिक किया और मैं अपनी फाइल चूज़ की और नाल ही डिस्प्ले एज आइकन पर क्लिक किया। देखो वर्ड की फाइल है दैन वर्ड फाइल जी इतने बन गई और ओके कर दिता। इस तरह मेरी वर्ड की फाइल अगर मैं डबल क्लिक करूँगी तो मेरी वर्ड की फाइल ये ओपन हो जाएगी। देखो ये मेरी वर्ड की फाइल ओपन होगी। सो इस तरह आप जो लिंक क्रिएट कर सकते हैं। सपोज हुण मैं नीचे पैराग्राफ में सिलैक्ट किया उस तो बाद फाइंड के उत्ते क्लिक किया। सपोज मैं ये वीडियो फाइंड आउट करना चाहती कि वीडियो कितने लिखा हुआ है। सो मैं वीडियो लिख के फाइंड नैक्सट किया। देखो मेरा कर्सर ऑटोमैटिकली उन्होंने सिलैक्ट कर दिता उन्होंने। सो इसी तरह दोबारा मैं पैराग्राफ में सिलैक्ट कर दी हाँ और ये मैं वीडियो में जोड़ा आ रिप्लेस करना चाहती आडियो मतलब जिते वीडियो लिखा उत्थे आडियो आ जाए। सो मैं नीचे लिखा आडियो उपर लिखा वीडियो और फाइंड नैक्सट किया। देखो वीडियो इतने लिखा हुआ सीगा हुण इहदी जगह दे उत्ते रिप्लेस ऑल हो जाए दैन रिप्लेस ऑल दे उत्ते क्लिक करूँगी दैन वह चेंज हो जाएगा। सो इसी तरह
अपना जिहड़ा आ वीडियो आडियो दे विच कन्वर्ट हो गई आ। सो दोबारा अगर आपां सिलेक्ट करना दैन सिलेक्ट ऑल दे उत्ते आपां क्लिक करांगे दैन सिलेक्ट सारा दा सारा हो जाएगा। सो इस तरह आपां सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। सो इस सारे होम बटन दे नाल ही आपां कट एंड कॉपी पेस्ट भी देख लैंदे। देखो मैं इस दो लाइनस नूं सिलेक्ट किया और मैं इत्थों कट किया। हुण सपोज मैं इत्थे इहनूं पेस्ट करना आ। सो मैं इत्थे क्लिक करसर किया और इत्थों जाके पेस्ट किया। सपोज इहदी जिहड़ी की हुंदी शॉर्टकट कंट्रोल वी हुंदी आ। सो हुण इसे पैराग्राफ नूं मैं दोबारा सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करन तो बाद हुण मैं पहला कट किया सीगा, हुण मैं कॉपी करूँगी। कॉपी करन तो बाद मैं इत्थे नीचे क्लिक किया और इत्थे पेस्ट किया। हुण देखो कट दे नाल की सी, उत्थों कट हो गया सी, दूसरी जगह पेस्ट हो गया सी। कॉपी नाल दोनों जगह दे उत्ते ही ओह पेस्ट होया। सो ए सी होम बटन दे सारे टूल्स। नैक्सट आपां व्यू दे देख लैंदे आ कि व्यू किस तरह काम करदा आ। देखो ये पहला हैगा जूम इन एंड जूम आउट। जूम इन ते क्लिक करूँगे तो पिक्चर बड़ी होने लग पाती, मतलब कि जूम होना शुरू हो जाता है। जूम आउट ते क्लिक करूँगी तो जूम आउट होगा और 100% जिहड़ा नाल लिखा हुआ उहदे ते क्लिक करूँगी तो पेज आटोमैटिकली 100% दे उत्ते सैट हो जाएगा। क्लिक किया देखो 100% सिलेक्ट हो गया। सो इस तरह नाल ही अपने को दिते हुए रूलर, देखो आ रूलर बार दिते हुए, अगर मैं इत्थे अनटिक कर दी तो रूलर बार इतों हाइड हो जाती है। शो एंड हाइड दे लई हुंदा, नीचे स्टेटस बार दिख रही है, अगर मैं ते अनटिक कर दी ना हाइड हो जाती है। सो मैनू शो ही कर लैंदी हाँ। उस तो बाद हैगा अपने को वर्ड रैप, अगर मैं नो रैप दे ते क्लिक कर दी, देखो अपनी विंडो काफ़ी जिहड़ी फाइल आ वो लंबी हो चुकी है, चौड़ी हो गई है, जिहदे नाल आपां नूं ईजी नहीं लगता। सो इहदे विच आपां वर्ड रैप ही जिहड़ा ज़्यादातर रखते हैं। सो नैक्सट अपने को हैगा वर्ड रैप जिहड़ा आ वो अपना विंडो दे अकॉर्डिंग, जिन्नी तुहाडी विंडो होवेगी उहदे अकॉर्डिंग जिहड़ा वो सैट हो जाएगा। सो आपां इहदे विच वर्ड रैप ही कर लैंदे हाँ। नैक्सट आपां मेयरमेंट्स वगैरह इहदे विचों चूज़ कर सकते कि इंचज़ विच चाहिए, सेंटीमीटर विच, मतलब आ जिहड़ा इंडेंट आपां सैट करते हैं इंचज़ विच होना चाहिए जां सेंटीमीटर्स दे विच होना चाहिए, इत्थों आपां अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। सो हुण आपां इस फाइल नूं सेव कर लैंदे हाँ। देखो इत्थे मैं जिहड़ी लोकेशन अपनी डिस्कटॉप लै लैंदी हाँ और इत्थे मैं इहदा फाइल का नाम दे दिंदी हाँ किरण और इस नूं मैं सेव कर लैंदी हाँ। सो ये मेरी फाइल जिहड़ी आ सेव हो चुकी है डिस्कटॉप दे उत्ते और मैं इहनूं क्लोज़ कर दिंदी हाँ। सो ये मेरी फाइल आ, इहनूं ओपन करके देखदी हाँ। इहते डबल क्लिक किया और ये ओपन हो गई फाइल। सो ये सी अपनी फाइल, तो क्लोज़ बटन तो क्लोज़ कर सकते हैं। सो ये सी अज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो दे विच।